हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी ई ट्विटर। आज हम ऐसे डक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके यूज से कुछ ही देर के लिए आप अपने सारे दुख दर्द भूल जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप जन्नत में हैं, सब कुछ अच्छा है, अच्छा अच्छा सा फील होगा, जिसको यूफोरिया इफेक्ट भी कहती हैं। बट आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी कोई चीज़ जो कुछ ही देर में आपको बहुत खुशी दे, वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए हार्मफुल और नुकसानदायक होती हैं। वैसे ही ये अफीम है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसको ओपियम हम कहते हैं। ये जो अफीम है वो आपको अच्छा लगेगा, बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट भी देता है, बट साथ ही साथ ये हैबिट फॉर्मिंग होता है जिसकी आपको लत लग सकती है, आदत पड़ सकती है। इसीलिए इस ड्रग को नार्कोटिक एंड साइकोटिक ड्रग के अंडर में स्टडी किया जाता है और रखा जाता है। नार्कोटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि नशा का कारण होता है, जिसके कारण आपको नशे सा फीलिंग होता है और ये नशे का कारण होती है। इसीलिए क्या होता है, जो अफीम है उसको गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा गया है। इसका जो आप यूज़ है बिना गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड जो है, गवर्नमेंट के परमिशन से इसका कल्टीवेशन और कलेक्शन और इसका सेल नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशल ही आपको गवर्नमेंट का एप्लीकेशन और गवर्नमेंट का जो मंजूरी है वो रिक्वायरमेंट होता है। आज हम देखेंगे जो ये अफीम है जिसको हम ओपियम कहते हैं, वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, कौन से प्लांट से पाया जाता है, कौन से एरिया में मेनली पाया जाता है और इसका जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्सेंट क्या है जिसके कारण ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। इन सब बातों का हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे बारी बारी से। सबसे पहले आते हैं ओपियम के सिनोनिम पे। तो इसको हम हिंदी में अफीम कहते हैं। अफीम ये हिंदी वर्ड है और इसको अफीम भी कहा जाता है। और ये क्या होता है, गम फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, लेटेक्स फॉर्म में होता है, इसीलिए ओपियम गम भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि इसको गॉड ऑफ ड्रीम भी कहते हैं। गॉड ऑफ ड्रीम क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या है, इसका यूज़ जब हम करते हैं तो बहुत ही अच्छा सा फील होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें हमें नज़र आने लगेंगी, सब कुछ अच्छा अच्छा फील होने लगेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गॉड ऑफ ड्रीम। साथ ही साथ गॉड ऑफ ड्रीम कहने का एक और कारण है, इसका जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्सेंट है जो कि है मॉर्फिन, उसका जो मतलब होता है मॉर्फस और उसका मतलब है गॉड ऑफ ड्रीम, इसका ही मतलब होता है। इसीलिए इसका जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्सेंट है मॉर्फिन, उसका नाम रखा गया मॉर्फिन, जो कि आया है मॉर्फस वर्ड से जिसका मतलब होता है गॉड ऑफ ड्रीम, जिसका यूज़ करने से, अफीम का यूज़ करने से हर कुछ अच्छा अच्छा सा यूफोरिया ये इफेक्ट देता है। ठीक है, यहाँ पे बात कर लिए हमने सिनोनिम की ओपियम के। अब आएंगे हम इसके बायोलॉजिकल सोर्स पे, देखेंगे कि ये कौन से प्लांट से हमें ऑब्टेन होता है। तो जो ये ओपियम है वो क्या है, ड्राइड लेटेक्स। हमने यहाँ पे ही देखा ये क्या था, ड्राइड लेटेक्स फॉर्म है जिसको हम ऑब्टेन करेंगे बाय इंसीजन, इंसीजन करेंगे, कट करेंगे, जिसको क्या कहेंगे हम, चीरा लगाना भी कह सकते हैं। इंसीजन करेंगे क्या का, अनराइप कैप्सूल, जो पका ना हो ऐसा कैप्सूल। कैप्सूल क्या हुआ, ये प्लांट का फ्रूट पार्ट है। इस प्लांट का जो फ्रूट पार्ट रहेगा उसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, इसका इंसीजन हम करते हैं। और कौन से प्लांट का, तो वो है पेपावर सोमनीफेरम। पेपावर सोमनीफेरम जो प्लांट है उसका हम यूज करते हैं और इसकी जो फैमिली है वो है पापावेरेशी। ये जो ओपियम है वो पापावेरेशी फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे इसके आप बायोलॉजिकल सोर्स को याद रखिएगा, ये क्या है, पापावर सोमनीफेरम, और इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय इंसीजन। क्या करेंगे, इसके कल्टीवेशन की यदि हम बात करें तो इसका आप कल्टीवेशन कहीं पे भी नहीं कर सकते। क्या है इसके कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि ये क्या होता है, जो ओपियम है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। ऐसा नहीं कि आपको अफीम चाहिए तो पता चलता है, जैसे कि आप धान गेहूं का अपने मन से कल्टीवेशन कर लेते हैं, वैसा ही अफीम का नहीं कर सकते। पता चलता है आप अफीम का कल्टीवेशन करने लग गए और इस ऐसा करने से आपको पनिशमेंट मिल सकती है गवर्नमेंट से, क्योंकि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, क्योंकि ये क्या है, नार्कोटिक एजेंट है, नार्कोटिक सब्सटेंस है। इसीलिए इसका जो कल्टीवेशन है स्पेसिफाइड एरिया में होता है, बिना गवर्नमेंट के परमिशन से आप इसका कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते।
सो यहाँ पे हमने बायोलॉजिकल सोर्स तो देख लिया, अब आते हैं इसके जियोग्राफिकल सोर्स पे, देखते हैं इसका जो कल्टीवेशन है वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे ये मेनली पाया जाता है। सो कल्टीवेशन की बात करें और इसके जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो इंडिया में, पाकिस्तान में और मेनली अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा इसका कल्टीवेशन किया जाता है, और साथ ही साथ टर्की, रशिया, चाइना और ईरान में भी इसका कल्टीवेशन करते हैं। इंडिया की बात करें, यदि हम इंडिया की बात करें और देखेंगे कौन से स्टेट में इसका कल्टीवेशन मेनली करते हैं, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसका कल्टीवेशन मेनली किया जाता है। और जो मध्य प्रदेश है उसमें मेनली, मध्य प्रदेश में नीमुझ है, ये आप याद रखिएगा, जो नीमुझ है, और जो उत्तर प्रदेश है उसमें गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और मध्य प्रदेश के नीमुझ, ये दोनों सिटी ऐसे हैं जहाँ पे इसका फैक्ट्री है, ओपीएम का कल्टीवेशन और प्रिपरेशन, गवर्नमेंट अथराइज्ड जो एरिया है, ये दो जगह है जहाँ पे इसका कल्टीवेशन किया जाता है। एग्ज़ाम में डायरेक्टली कई बार पूछा भी जाता है गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्री कहाँ है, तो आपको ये याद रखना है मध्य प्रदेश के नीमुझ में है ओपीएम का फैक्ट्री, और जो उत्तर प्रदेश है उसके गाजीपुर में ओपीएम फैक्ट्री है जहाँ पे इसका कल्टीवेशन और जो प्रिपरेशन है वो किया जाता है। सो यहाँ पे आप ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसका कल्टीवेशन की बात करें तो कैसे करते हैं, जो इसका प्लांट है उसका जो कैप्सूल पार्ट है उसको हम लेंगे, और कैप्सूल जो इस प्रकार से आपने देखा था ये कैप्सूल है, उसको क्या करेंगे, इसका जो कैप्सूल पार्ट है उसका इंसीजन करेंगे। इंसीजन मतलब क्या हो गया, इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनली, इस प्रकार से क्या करेंगे, लंबाई में वर्टिकली, वर्टिकली क्या करेंगे, इसमें इंसीजन करेंगे, इसमें चीरा लगाएंगे, जिससे कि इसमें मिल्की जूस ऑप्टेन होता है, मिल्की जूस ऑप्टेन होगा। बट क्या करते हैं, इसे जो हम सुपरफिशियली इसमें चीरा लगाएंगे, पूरा अंदर तक नहीं लगाते, सुपरफिशियली इसमें चीरा लगाएंगे जिससे कि जो मिल्की जूस है वो ऑप्टेन होगा, और उसको हम कुछ देर के लिए वैसे ही छोड़ देंगे। जब ये हल्का सा ड्राई होगा तब क्या करेंगे, उसको स्क्रैप्ड ऑफ कर लेंगे, उसको निकाल लेंगे, उसके बाद 2 डेज के इंटरवल में फिर से उसी कैप्सूल में फिर से हम इंसीजन करेंगे, उसके बाद फिर से उससे उसी प्रकार हम मिल्की जूस को ड्राई करने के बाद जो लेटेक्स फॉर्म रहेगा उसको हम स्क्रैप्ड ऑफ कर लेंगे, उसको हम निकाल लेंगे। सो इसी प्रकार से जब तक से इससे पूरा इसका जो लेटेक्स जूस है वो हमें ऑप्टेन ना हो जाए तब तक क्या करेंगे, उससे इंसीजन करते रहेंगे। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि इसके इंसीजन के लिए जो हमें औजार चाहिए वो क्या होता है, नस्टर। ये क्या है, एक उर्दू टर्म है, उर्दू में क्या कहते हैं, ऐसे औजार, औजार जो यूज होता है उसको हम नस्टर कहते हैं, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। सो इस प्रकार से हम इसका जो लेटेक्स है उसको हम ऑब्टेन कर लेंगे। अब इसके मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर की बात करें, सो मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर की बात करेंगे तो इसका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक होता है, और इसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है, कड़वा सा बीटर होता है। और स्पेसिफिकली जो एरिया वाइज इसके मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर हम बात करें तो क्या है, इसका यहाँ पे हमने दिया है वो लेटेक्स है, जो इसका जो हमें लेटेक्स ऑब्टेन करना है, क्या होता है ये लेटेक्स फॉर्म में होता है, ये गम है, इसीलिए ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंडर भी आता है। ये आप याद रखिएगा, जो ओपियम का गम है वो है एक और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है, क्या है ये, गम है, लेटेक्स है, ठीक है। तो अब इसके हम मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर की बात करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जो एरिया है जहाँ पे ये पाया जाता है वहाँ पे कैसा दिखता है, इसके लेटेक्स की बात करेंगे। सो इंडिया में जो ओपियम होता है वो कैसा होता है, क्यूबिकल पीसेस के फॉर्म में होता है, क्यूब के फॉर्म में ये रहेगा, और कैसा होता है, ब्रिटल होता है, इजली ब्रेकेबल ये होता है। पर्सियन ओपियम की बात करें तो कैसा होता है, ये ब्रिक शेप्ड का, मतलब कैसा होगा, ये ईंटे के समान, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार का होता है, ईंटे के समान ये दिखाई हमें पड़ता है। और जो नेचुरल तुर्किस है और जो यूरोपियन ओपियम है उसकी बात करें तो ये कैसा होगा, कुछ जो ओपियम होंगे वो कैसे होंगे, कॉनिकल और राउंडेड शेप के होते हैं, और जो कुछ है वो फ्लैटेंड होते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि इंडियन में कैसा होता है, क्यूबिकल, पर्सियन में होता है ब्रिक फॉर्म का, और जो
तुर्की है, तुर्कीज जो नेचुरल होता है, तुर्कीज क्या है वहाँ मेनली अफगानिस्तान में, तुर्की में क्या होता है इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो इस प्रकार की वहाँ से जो हमें ऑप्टेन होता है वो कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है कुछ और कुछ कॉनिकल फॉर्म में होता है। सो यहाँ पे हमने माइक्रोस्कोपी भी देख लिया है और जियोग्राफिकल सोर्स भी देख लिया है। अब आते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की ओर, देखते हैं इसमें कौन से ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ओपियम में जो इसके मेडिसिनली यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो जो ओपियम है वो क्या है, एल्केलाइड कंटेनिंग ड्रग है जिसमें 30 एल्कोलाइड से भी ज़्यादा एल्कोलाइड पाया जाता है, और ये कैसे होते हैं, आइसोक्विनोलिन एल्कोलाइड के अंदर में आता है। मीन्स क्या होगा, जो ओपियम के अंडर जो ड्रग है वो क्या होते हैं, उसके ड्रग में आइसोक्विनोलिन रिंग है वो पाया जाता है, इसीलिए ये आइसोक्विनोलिन ड्रग के अंडर में आता है। सो इसमें 30 से ज़्यादा एल्केलाइड प्रेजेंट होते हैं, जो कि दो स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, पहला है बेंजीन आइसोक्विनोलिन और दूसरा है फिनांथरीन रिंग। कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट ऐसे होंगे जिसमें बेंजीन आइसोक्विनोलिन रिंग होगा और कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट ऐसे हैं जिसमें फिनांथरीन रिंग प्रेजेंट होता है। बेंजीन आइसोक्विनोलिन की बात करें तो ये इसके अंदर आता है नॉस्कापिन, नार्सिन एंड पापावेरिन, और यदि हम फिनांथरीन रिंग की बात करें तो इसके अंदर आता है मॉर्फिन, कोडिन एंड थीबेन। ये तीनों ड्रग है जो कि आएंगे फिनांथरीन रिंग के अंदर। इसका स्ट्रक्चर भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। अब यदि हम इसका डिटेल की बात करें तो जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन कैसा होता है, मोनो एसिडिक होता है नेचर में एंड लिवो रोटेटरी होता है। मैक्सिमम हमने पढ़ा था इसके इंट्रोडक्शन में, एल्केलाइड के इंट्रोडक्शन में के पार्ट में हमने पढ़ा था, मैक्सिमम जो एल्केलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, लिवो रोटेटरी फॉर्म में होते हैं। और जो मॉर्फिन है वो कैसा होता है, फिनोलिक एल्केलाइड है, मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें फिनोलिक ग्रुप रहता है। अब बात करें यदि पेपावरिन की, जो कि है बेंजिल आइसोक्विनोलिन के स्ट्रक्चर रखता है, तो पेपावरिन क्या होता है, ये भी वीक मोनो एसिडिक बेस होते हैं। और इसमें बट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कर लीजिए स्टार मार्क, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पेपावरिन है वो कैसा होता है, इनएक्टिव ऑप्टिकली, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बारी ऐसा पूछा जाता है कौन सा ऐसा एल्केलाइड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि आप ध्यान दिए होंगे कि जो एक्सेप्शन रहते हैं उसे ही ज़्यादा पूछा जाता है, और यहाँ पे ये जो पेपावरिन है वो एक एक्सेप्शन ही है, क्योंकि जो मैक्सिमम एल्केलाइड होते हैं वो होते हैं लिवो रोटेटरी, बट ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो है जो पेपावरिन है। और साथ ही साथ जो एट्रोपिन भी होता है, जिसको हमने हायोसाइमिन में पढ़ा था, वो भी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सो ये सारे एल्केलाइड को आप याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि ओपियम एल्केलाइड है उसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं एज अ साल्ट ऑफ मैकोनिक एसिड। यहाँ पर आप देखिए, इसको मैंने रेड लाइन पे किया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप कर लीजिए स्टार मार्क और इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा ही जाता है कि ओपियम कौन सा सॉल्ट फॉर्म में रहता है, कौन से सॉल्ट फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, तो ये होता है मैकोनिक एसिड सॉल्ट फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। और अदर केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटोपीन, हाइड्रोकोटारपीन, ये क्या है, ये माइनर एल्केलाइड्स है जो कि ओपियम में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ कुछ अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होता है सुगर, वैक्स, म्यूसिलेज, साल्ट ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जैसे आप याद रखते हैं वैसे ही पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम करके इसको आप याद रख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपियम, जिसमें हमने जाना इसमें टू बेसिक रिंग होते हैं, बेंजीन आइसोक्विनोलिन टाइप के और फिनांथरीन रिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि है मॉर्फिन, कोडिन एंड थीबेन। अब आते हैं इसके केमिकल स्ट्रक्चर में, क्योंकि हमारे लिए स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप यदि एग्जाम में इस प्रकार से छोटा सा स्ट्रक्चर भी बना देते हैं तो आपको क्या है, फुल में फुल मार्क आने के चांसेस रहते हैं।
और जो मॉर्फिन है, कोडिन है और थीवेन है, इसमें आप डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे ये जानने के लिए भी हमें इसके स्ट्रक्चर को देखना होगा। सो आप मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है एंड फिनोलिक ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट होता है। बट यदि हम कोडिन डे की बात करें तो कोडिन में एल्कोहलिक ग्रुप तो है बट फिनोलिक ग्रुप नहीं होता है, यहाँ पे OCS3 मेथॉक्सी ग्रुप है वो आप देख सकती हैं। ये तो बात हो गई कोडिन की। अब यदि हम थीबेन की बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा मॉर्फिन में क्या था, एल्कोहलिक ग्रुप था और फिनोलिक ग्रुप था, बट थीबेन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है OCS3, फिर से OCS3 जो कि क्या था कोडिन में, आपको यहीं पे ओनली दिखेगा मिथॉक्सी ग्रुप बट इसमें थीबेन में दोनों साइड आपको मिथॉक्सी ग्रुप दिखता है। ओके, तो यहाँ पे हमने सिंपल सा ये जो स्ट्रक्चर था जिसमें आपने देखा होगा कि इसमें क्या है फिनांथ्रीन रिंग प्रेजेंट होती है। सो इसको आप इजली याद रख लीजिएगा, 2-3 बार यदि आप इसको प्रैक्टिस करें तो आपको ये याद भी रहेगा। अब आते हैं जो ओपियम के केमिकल टेस्ट है, कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और कैसे जान पाएंगे कि हाँ यही ओपियम है और इसमें मेकोनिक एसिड का ये साल्ट होता है, ये जानने के लिए हम करेंगे केमिकल टेस्ट। सो सबसे पहले जो मार्कवी टेस्ट है उसमें आते हैं, मार्कवी टेस्ट है जिसमें क्या करते हैं मॉर्फिन लेते हैं और उसमें क्या करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड फॉर्मेल्डिहाइड इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि क्या होता है जिससे डार्क योलाटाइल ऑयल हमें ऑब्टेन होता है। अदर टेस्ट की बात करें तो ये जैसे कि मेकोनिक एसिड है, ये क्या होता है साल्ट ऑफ मेकोनिक एसिड है, सो इसमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड जब इसमें हम ऐड करते हैं तो ये क्या होता है डीप रेडिश पर्पल कलर का हमें दिखाई पड़ता है। और अदर केमिकल टेस्ट की बात करें तो अदर है मॉर्फिन के साथ जब हम सिल्वर ऑक्साइड का हम ऐड करेंगे तो क्या होता है ब्लू कलर दिखाई देगा। पेपावरिन की बात करें तो पेपावरिन सॉल्यूशन में क्या करेंगे जब हम HCl ऐड करेंगे साथ ही साथ पोटेशियम फेरिसाइनेट ऐड करेंगे तब ये क्या करता है तब ये लेमन येलो कलर का हमें दिखाई पड़ेगा, ये भी इसका एक आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है। हमने देखा मॉर्फिन को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इसमें जो मेकोनिक एसिड है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अब बारी है पेपावरिन को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्योंकि इसमें क्या होता है बेंजिल आइसोक्विनोलिन रिंग प्रेजेंट होता है। सो इसके बाद आएंगे मॉर्फिन में, तो मॉर्फिन और क्या है मॉर्फिन में जब हम क्या करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे तब ये क्या होगा ऑरेंज कलर हमें दिखाई पड़ेगा। बट यहाँ पे अब देखेंगे कि ये क्या है ये मॉर्फिन के लिए है बट कोडिन के लिए नहीं होता, भले कोडिन में क्या है फिनांथ्रीन रिंग इसमें भी प्रेजेंट होता है बट यहाँ पे हमने क्या देखा था इसमें क्या होता है फिनोलिक जो रिंग है वो प्रेजेंट नहीं होता, फिनोलिक ग्रुप है वो प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए क्या होता है ये वाला जो टेस्ट है ये इसके साथ नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है, ये कोडिन के लिए नहीं होता। सो यहाँ पे भी आप इसको याद रखिएगा। अदर टेस्ट की बात करें तो मॉर्फिन में जहाँ फेरिक क्लोराइड एंड पोटेशियम फेरिसाइनेट ऐड करती हैं तो ये क्या करता है ब्लूइश ग्रीनिश कलर का ये हमें दिखाई पड़ता है। सो सिंपल कुछ इसका क्या था स्ट्रक्चर देखा हमने और कुछ सिंपल टेस्ट था जिसको आप इजली याद रख सकते हैं जिससे कि क्या है आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कैसे हम इसको मॉर्फिन को मेकोनिक एसिड हो गया पेपावरिन हो गया कोडिन है ये सारे जो डिफरेंट कंपाउंड है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये हमने जाना। अब आते हैं इसके यूजेस में, देखते हैं इसका क्या क्या बेनिफिशियल इफेक्ट है और कहाँ कहाँ पे इसका हम यूजेस कर सकते हैं। सो हम बारी बारी से देखते जाएंगे जो इसका बहुत सारा कंपाउंड था मॉर्फिन पापावरिन ये सारे जो अलग अलग कंपाउंड है उसका कहाँ कहाँ पे यूजेस हो सकता है उसको हम देखेंगे। तो मॉर्फिन एक बहुत ही बेहतरीन ड्रग है जिसका बेनिफिट तो बहुत है साथ ही साथ इसका जो नुकसान है हार्मफुल इफेक्ट भी ये प्रोड्यूस करता है। सो जो मॉर्फिन है वो एज अ सेडेटिव और हिप्नोटिक हमें यूज होता है, ये सेडेटिव ड्रग ऐसे होते हैं जो आपको काम करते हैं जो क्या करेंगे ऐसा लगेगा कि आपको नींद सा फील हो रहा है ऐसा लगेगा कि आप बहुत शांति महसूस करें ये क्या कहता है सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है।
और इसका जो दूसरा यूज है वो है एनाल्जेसिक। जो मॉर्फिन है वो कैसा है, पोटेंट एनाल्जेसिक होता है। जब बहुत ही ज्यादा पेन होता है, एनाल्जेसिक ऐसे ड्रग होते हैं जो पेन से रिलीफ प्रोवाइड कराती हैं। तो ओपियम क्या है, जो मॉर्फिन है वो है पोटेंट एनाल्जेसिक की तरह यूज होते हैं। ये क्या करेंगे, जब बहुत ही ज्यादा दर्द फील होता है, जैसे कि हो गया जॉइंट का जब कोई दर्द होता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है जिसको आप सह नहीं सकते, ऐसे दर्द में ये क्या है, मॉर्फिन हमें यूज आता है। ये क्या करता है, दर्द से रिलीफ प्रोवाइड कराता है। ये क्या है, पोटेंट एनाल्जेसिक की तरह यूज होते हैं। साथ ही साथ ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी करते हैं और कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करते हैं। कॉन्स्टिपेशन कॉज करेंगे, ये क्या करते हैं, स्टूल को हार्ड बना देते हैं, जिससे कि क्या है, कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन होती है। आपका जो है क्या है, स्टमक क्लीन नहीं हो पाता, साफ नहीं हो पाता, और आपको बहुत सा कॉन्स्टिपेशन जैसा फील होगा, स्टूल हार्ड हो जाएंगे। ओके, अब आएंगे इसके दूसरे यूज में। तो ये क्या होता है, बाइफेजिक एक्शन प्रोड्यूस करता है। कि कैसा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये बाइफेजिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। बाइफेजिक का मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा, पहले तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, आप बहुत ही एक्टिव फील करेंगे, बहुत हैप्पीनेस सा फील होगा, बट जितना ही ज़्यादा ये स्टिमुलेट करता है उतना ही ज़्यादा ये सेडेशन काउज करेगा। जितना ही अच्छा आपको फील होगा उतना ही ज़्यादा आपको कुछ देर बाद क्या होगा, बहुत नींद सा फील होगा, लेजी सा फील होगा, और ये क्या करेगा, सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस उतना ही ज़्यादा करता है, इसीलिए इसको हम बाइफेजिक एक्शन प्रोड्यूस करता है ये कहेंगे। और ये क्या करता है, सडेज करता है, मतलब शांत करेगा सेरिब्रम को, बट क्या करता है, स्टिमुलेट भी करता है और सडेशन काउज करता है मेड्यूला को। ये भी आप इसके फार्माकोलॉजी पार्ट में इसको डिटेल से स्टडी कर पाएंगे। और इसके यूजेस की और अदर यूजेस की बात करें तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है क्रीमोरिसेप्टर ट्राइगर जोन। ये क्या होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, ये है वोमिटिंग सेंटर जो कि प्रेजेंट होता है मेड्यूला में। ये क्या है, वोमिटिंग सेंटर है। तो मॉर्फिन क्या करता है, इस जो कीमोरिसेप्टर ट्राइगर जोन है उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि आपको नौजिया एंड वोमिटिंग सा फील होगा और वोमिटिंग होता है। सो ये क्या करेगा, वोमिटिंग काउज करेगा, जिसको हम इसका साइड इफेक्ट भी मान सकते हैं, बट इसका हम बेनिफिशियल इफेक्ट करते हैं, बेनिफिट के टाइप का यूज करते हैं, ये हम इसके अदर यूजेस में देखेंगे। ये तो बात हो गई मॉर्फिन की। अब आएंगे कोडिन में। कोडिन जो इसका एक और कंपाउंड है वो क्या है, एज अ एंटी टस्वी हमें यूज होता है। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि क्या है, कफ प्रिपरेशन हुए हैं, क्या है, कफ से रिलीफ प्रोवाइड कराता है। आपने देखा होगा जो कोडेक्स आता था उसमें क्या था, कोडिन है वो यूज होता था, बट अब क्या है, अब गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है। क्या किया है गवर्नमेंट, अब इसको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के रूप में ही देती है। क्यों, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग हैं, वो क्या करते थे, इसका यूज एज अ सेडेटिव, क्योंकि ये क्या करता है, हैप्पीनेस देता है, इसीलिए इसका यूज करने लग गए थे बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में। इसका यूज जो एंटी डस्विक की तरह है वैसे नहीं करते थे, नशे की टाइप में यूज करने लग गए थे, इसीलिए क्या किया गवर्नमेंट ने, इसको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के रूप में ही ये कोडिन है वो एंटी डस्विक के रूप में मिलेगा, ऐसे आप इसको नहीं परचेज कर सकते। अदर यूज की बात करें तो है पेपावरिन। पेपावरिन में आएंगे तो ये क्या होता है, रिलैक्सेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह ये यूज होता है। साथ ही साथ इसको हम क्या कहेंगे, एंटी स्पाज्मोलाइटिक। स्पाज्म है, जो ऐठन सा फील होता है स्मूथ मसल्स में, ऐठन सा फील होगा तो इससे रिलीफ के लिए पेपावरिन है जिसका यूज किया जाता है। ये क्या करता है, ब्रोंकियल ट्रेक ब्लड वेसल्स है इसके जो मसल्स है उसको रिलैक्स करती है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह ये यूज होता है। और नार्कोटिन की बात करें तो ये भी कफ टिंचर्स है, जो कफ जो प्रिपरेशंस है उसमें यूज होता है, जो नार्कोटिन है जैसे कि कोडिन यूज होता है उसी प्रकार से। मॉर्फिन से जब वन मोटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है तब बन जाता है एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन जो कि क्या है, बहुत ही अच्छा ड्रग है, एंड ये क्या करता है, इमेटिक है, इमेटिक है, जिसका यूज हम क्या करेंगे, पॉइजन की कंडीशन में। यदि किसी ने पॉइजन ले लिया है तब
क्या करेंगे, एपोमॉर्फिन का यूज करेंगे, जिससे कि जो पॉइजन ड्रग है वो क्या हो, वोमिटिंग हो जाए और वो हमारे बॉडी से बाहर हो जाए, जिससे कि क्या है उस पॉइजनस ड्रग का इफेक्ट हमारे बॉडी में ना हो। तो ये एपोमॉर्फिन है वो एज अ इमेटिक हमें यूज होता है। और यदि इसके यूज की हिस्ट्री की बात करें तो इसमें क्या था, ये यूज होता था सबसे पहले इसको जो ओपियम है उसको इंडिया में लाए थे अलेक्जेंडर ने। क्या किया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब क्या हुआ था, तब उस टाइम सोल्जर्स को दिया जाता था मॉर्फिन एक्टिव रखने के लिए। बट क्या होता था, इससे बाद में पता चला ये हैबिट फॉर्मिंग है, क्या करता है इसकी हमें आदत लग जाती है, लत लग जाती है। ये पता चला जब सोल्जर्स को क्या होने लगा, इसकी आदत होने लग गई, इसके बिना उन्हें अच्छा नहीं लगने लग गया, और इस डिसीज को क्या कहने लगे, इस डिसीज को बोलने लगे सोल्जर्स डिसीज। सो इससे हम इसका जो साइड इफेक्ट है ये क्या है, हैबिट फॉर्मिंग होता है और इसकी आदत लगती है। सो यहाँ पे हमने डिटेल से देखा ओपियम के बारे में, हमने जाना कि ये जो ओपियम है वो ऑब्टेंड होता है पेपावर सोमनीफेरम से, और इसकी फैमिली है पेपावेरेसी, जिसको आप अफीम के नाम से भी जानते हैं, और इसको गॉड ऑफ ड्रीम्स भी कहते हैं। और इसका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है जैसे कि मॉर्फिन, कोडिन। सो यहाँ पे हमने डिटेल से स्टडी कर लिया है, जिसमें से हमने जो स्टार मार्क लगाया था वो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे हमने ओपियम के बारे में डिटेल से स्टडी कर लिया है। थैंक यू।